वेलकम टू mahindraguru.com द ऑफिशियल YouTube चैनल। स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके जी गुरु आपके साथ। आज हम आपके लिए एक नया शो लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है करंट अफेयर्स से, जिसमें हम वीक की सारी न्यूज को डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग दी टाइम। स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज के साथ। तो पहली न्यूज है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार। यूनिसेफ अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन कैनेडियन यूट्यूब स्टार लिली सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिसेफ ने अपॉइंट किसे किया है? लिली सिंह को एज अ न्यूएस्ट गुडविल एम्बेसडर, एज अ न्यूएस्ट ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, यूनिसेफ ने लिली सिंह को, जो कि है कैनेडा की, इंडियन ओरिजिन कैनेडियन यूट्यूब स्टार लिली सिंह को अपॉइंट किया ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। और इससे रिलेटेड हमारे फैक्ट्स किस प्रकार बन सकते हैं वो देखते हैं कि यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इसकी पहले जो फुल फॉर्म होती थी वो होती थी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो याद रखिएगा, जो एट प्रेजेंट हमारी फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और इससे पहले जो फुल फॉर्म हुआ करती थी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट देखते हैं, एस्टेब्लिश हुआ था जो यूनिसेफ हमारा 11 दिसंबर 1946 को। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विलियम एंटोनी क्रिशॉप लेक, विलियम एंटोनी क्रिशॉप लेक, जो कि है यूएसए के। इस न्यूज से रिलेटेड फैक्ट्स रहे और न्यूज रही। पहले आपको करना क्या है कि न्यूज को लर्न करना है कि यूनिसेफ ने अपॉइंट किसे किया है, जिसको अपॉइंट किया है उनका नाम क्या है और वह किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। और कंट्री पता होगी, दैट इज कैनेडा। तो कैनेडा के साथ हम तुरंत लर्न करेंगे उसकी कैपिटल और करेंसी। तो याद रखिए, कैनेडा की कैपिटल है ओटवा और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू हरियाणा। हरियाणा संदीप कुमार वॉन दी गोल्ड मेडल, हरियाणा संदीप कुमार वॉन दी गोल्ड मेडल इन दी मेन्स 20,000 meter रेस वॉक इन नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप एथलेटिक्स मीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप एथलेटिक्स मीट में हरियाणा के संदीप कुमार ने 20,000 मीटर की मेंस रेस में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब इससे रिलेटेड हमारे फैक्ट्स किस प्रकार बन सकते हैं उनको देखते हैं। 57 जो हमारी अभी एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, ये किस नंबर की थी? इसका जो एडिशन था वो था 57 नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, वो थी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां पर हुई थी? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, यहां पर जिस स्टेट का नाम आया, एक आया हरियाणा का और एक आया है आंध्र प्रदेश का। जब भी कोई भी कंट्री का नाम आएगा, साथ में हम लर्न करेंगे उसकी कैपिटल और करेंसी। जब भी किसी स्टेट का नाम आएगा, साथ में लर्न करेंगे उसकी कैपिटल स्टेट की, पर्टिकुलर जो भी स्टेट है, और उसके गवर्नर और उसके सीएम। स्टार्ट करेंगे हरियाणा से। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? हमारी चंडीगढ़। हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे मनोहर लाल खट्टर, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और जो गवर्नर है वो है कप्तान सिंह सोलंकी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जब जितना भी आप, ये स्टैटिक पोर्शन है हमारा, इसे लर्न करते चलेंगे तो हमें बाद में स्टैटिक लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बैंकिंग के साथ स्टैटिक भी लर्न करना है और करंट अफेयर भी लर्न करना है। तो हरियाणा से रिलेटेड जो न्यूज रही उसमें सीएम, गवर्नर और कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल रही हमारी अमरावती और इसके चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू। आई होप क्लियर हो गए यहां तक। और गवर्नर है हमारे ईएसएल नरसिम्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर न्यूज पर फोकस करना है और उससे रिलेटेड फैक्ट्स पे, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक पोर्शन भी आगे क्लियर करता चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू इंडिया बैग्ड 3 medals including gold in the just concluded Asian Cadet Judo Championship in the Bishkek, Kyrgyzstan. Bishkek, Kyrgyzstan में अभी जो Asian Cadet Judo Championship हुई है, उसमें भारत ने 3 medal हासिल करे हैं, जिनमें से कि एक मेडल है गोल्ड। क्लियर होगा सभी के कि जो भी अभी एक मीट, जो भी हमारी अभी ये एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप हुई है, वो कहां हुई है? बिश्केक किर्गिस्तान में हुई है। और इंडिया ने कितने मेडल मिले हैं यहां पर? 3 medal। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स को। फैक्ट्स से स्टार्ट करेंगे। थंगजाम तबाबी देवी जो मणिपुर की हैं, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और ये हरियाणा की सिमरन है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और परम जीते हैं, ये भी हरियाणा की, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो याद रखना, एक गोल्ड मेडल जीता है और 2 bronze medal जीते हैं, जिनमें से 2 हरियाणा के हैं और 1 मणिपुर की है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड
किर्गिस्तान। अब देखिए यहां पर अभी मैंने बोला था आपसे कोई भी कंट्री का नाम आ जाएगा तुरंत हम उसकी कैपिटल भी लर्न करेंगे और करेंसी भी। और किर्गिस्तान की बात करेंगे उसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम। मैं आपको पहले भी ट्रिक में बता चुका हूं कि अगर हम कैपिटल और करेंसी लर्न करेंगे तो दोनों को साथ में लर्न करेंगे, अलग लर्न नहीं करेंगे। किर्गिस्तान बिश्केक सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम। आपसे कोई कैपिटल पूछे फ्री में करेंसी बताइए, कोई करेंसी पूछे फ्री में कैपिटल बताइए, इससे होगा क्या? हम कैपिटल करेंसी दोनों ही साथ में लर्न कर सकते हैं, ना ही कैपिटल अलग लर्न करनी ना ही करेंसी अलग लर्न करनी, कैसे? साथ में लर्न करना है। किर्गिस्तान बिश्केक सोम। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। अल्माज बेग अतम बायेव इज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान इज द सुरन बे जीन बेको। आई होप क्लियर होगा आपके कि किर्गिस्तान से रिलेटेड हमने कवर कर लिया, क्योंकि जो भी हमारी जो ये हुई थी एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप ये हुई थी किर्गिस्तान में, इसलिए किर्गिस्तान भी हो गया इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई, पीएम हो गए और प्रेसिडेंट हो गए। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट कंपनी MobiQuick, मोस्ट इंपॉर्टेंट MobiQuick का नाम, हैज पार्टनर्ड विद द सैमसंग पे अंडर विच कंज्यूमर्स will be able to make payment. Most important, MobiQuick ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? Samsung Pay के साथ agreement साइन किया, which consumers will be able to make payment. Consumers payment कर सकते हैं with a single tap using the Samsung handset. Samsung handset को use करके वो easily ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट MobiQuick ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, किसके साथ पार्टनर हुआ है वो सैमसंग पे के साथ। अब देखते हैं इस न्यूज से रिलेटेड हमारे फैक्ट्स कैसे बन सकते हैं। MobiQuick की बात करते हैं हम तो ये फाउंडेड हुआ था 2009 में और इसके सीईओ विपिन प्रीत सिंह और इसका जो फाउंडेड हुआ था 2009 में, उसके हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम यहां क्यों? क्योंकि पहले इसका नाम हुआ करता था गुड़गांव, बट चेंज कर रख दिया गया है गुरुग्राम। तो इससे रिलेटेड हमारे फैक्ट्स भी रहे और न्यूज भी रहे। MobiQuick ने साइन किया है, पार्टनरशिप करी है इसके साथ, सैमसंग पे के साथ। और जो MobiQuick हो गया इंपॉर्टेंट, तो MobiQuick से रिलेटेड फैक्ट्स भी हो गए। 2009 में ये बना था और मिस्टर विपिन इज अ सीईओ ऑफ द MobiQuick और इसका हेडक्वार्टर रहा हमारा गुरुग्राम में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। इंडियाज हरविंदर पाल सिंधु डिफीटेड टॉप सीड रेक्स हेड्रिक। इंडियाज हरविंदर पाल सिंधु ने हराया है रेक्स हेड्रिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के रेक्स हेड्रिक को टू विन दी विक्टोरियन ओपन स्क्वेश टाइटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले आप टाइटल का नाम याद रखिए, विक्टोरियन ओपन स्क्वेश टाइटल जीता किसने? इंडिया के हरविंदर पाल सिंधु ने, और हराया किसको है? ये ऑस्ट्रेलिया के रेड हेड्रिक को। आई होप यहां तक क्लियर होगा कि जिसने जीता वो कौन है और जो हारा वो कौन है और जो टाइटल है उसका नाम क्या है, और जो हुआ था हमारा मेल वन ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं इस न्यूज से रिलेटेड हमारे फैक्ट्स क्या रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल, जैसा कि अभी मैं बताया आपको, फिर दोबारा से कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया ना कंट्री का नाम आ गया, कैपिटल भी लर्न करनी और करेंसी भी। तो कैपिटल रही कैनबरा, करेंसी रही डॉलर। भाई ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी इज डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है हमारे प्राइम मिनिस्टर है मालकॉम टर्नबुल। क्लियर होगा यहां तक न्यूज से रिलेटेड फैक्ट्स भी और न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, सिक्किम के पिछले चीफ मिनिस्टर, पहले रहे चीफ मिनिस्टर नर बहादुर भंडारी का देहांत हो गया। ये ऑबिचुरी पार्ट की न्यूज है कि जो एग्जाम में आता कैसा है कि जिनका देहांत हुआ वे किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, और पर्टिकुलर प्रोफेशन का नाम भी दे देते हैं कि इस प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन डाइड, कि उनकी मृत्यु हो गई है वो कौन है। तो याद रखिएगा आपको दोनों तरफ से लर्न करना है, नाम भी और उनका प्रोफेशन भी। अब ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इट मींस ये पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे, कहां के थे? सिक्किम के, और नाम क्या था? नर बहादुर भंडारी। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या बनते हैं? स्टेट आ गया तो वही कैपिटल सीएम और गवर्नर। स्टेट की कैपिटल हमारी क्या रही? सिक्किम की गंगटोक, उनके चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चामलिंग और सिक्किम के गवर्नर है श्रीनिवास पाटिल। आई होप सो तरीका समझ में आ रहा होगा कि हमें स्टडी कैसे करनी है, करंट अफेयर पढ़ना कैसे है। इवन कोई भी कंट्री का नाम आ जाएगा, साथ ही साथ कैपिटल करेंसी लर्न करनी है, प्रेसिडेंट लर्न करने है, पीएम लर्न करना है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका। और अगर किसी स्टेट का नाम आ जाएगा तो सीएम और उनके एक तरीके से बोल सकते हैं कैपिटल और गवर्नर। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी। सिंगापुर एयरलाइन हैज बीन रेटेड
the world's best airline. Okay, Singapore Airline has been rated the world's best airline in this survey by the Travel and Leisure Magazine. Travel and Leisure Magazine ने भी एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने देखा कि जो सिंगापुर एयरलाइन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिंगापुर एयरलाइन है उसको सबसे बढ़िया रेट दिया गया है, सबसे बढ़िया एक तरीके से रैंकिंग दी गई है, उसे बोला गया वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन। तो याद रखा, आपका मन कर रहा है घूमने का, कहीं जाने का, तो सिंगापुर जाइए, सिंगापुर एयरलाइन का यूज करिए, क्योंकि वो क्या है, हमारी वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन। किसने सर्वे कंडक्ट किया है? ट्रेवल एंड लीजर मैगजीन ने। अब इससे रिलेटेड फैक्ट कैसे बन सकते हैं, इस मैगजीन से रिलेटेड देखें तो ये बेस्ड है हमारी कहां की, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क। और ये इनके एडिटर जो चीफ है वो है नाथन लंप, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां की है, न्यूयॉर्क की। और इसके जो एडिटर इन चीफ है वो है नाथन लंप ने। देखते हैं नेक्स्ट, मर्सिडीज ड्राइवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मर्सिडीज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन, लिखवा लीजिए ये न्यूज, कंफर्म एग्जाम में आना ही है। मर्सिडीज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता किसने है, लगातार चौथी बार इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता, उनका नाम है लुईस हैमिल्टन। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, लुईस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूके से। देखिए यूके आ गया फिर कंट्री का नाम, तो कैपिटल करेंसी भी देखेंगे, बट आगे नेक्स्ट न्यूज आएगी उसमें इससे रिलेटेड मैंने फैक्ट्स दे रखे हैं, अभी सिर्फ यहां से रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं, पर्टिकुलर न्यूज है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कौन सा जीता, अभी मैंने बताया आपको चौथा। और ब्रिटेन की कैपिटल की बात करें लंदन, और करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मरियम मिर्जा खानी ऑफ ईरान, मरियम मिर्जा खानी ऑफ ईरान द फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ द फील्ड मेडल फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जिन्होंने फील्ड मेडल प्राप्त किया था, पहली वुमेन मरियम मिर्जा खानी जो कि ईरान से बिलोंग करती हैं, उनका देहांत हो गया। बड़ी दुखद न्यूज है क्योंकि उनकी उम्र भी अभी बहुत कम थी, कैंसर से सर्वाइव कर रही थी। और यूं यहां पर बात करें मैथमेटिक्स की, जो ये फील्ड मेडल है ये 40 से वर्ष या उससे कम के ही व्यक्तियों को दिया जाता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज क्या है। फर्स्ट पॉइंट, मरियम मिर्जा खानी का नाम याद रखना है। सेकंड पॉइंट, वो किस कंट्री से बिलोंग करती, ईरान से बिलोंग करती हैं। और ईरान आ गया तो ईरान की कैपिटल क्या रही, तेहरान। करेंसी क्या रही, रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट क्या रहे, हसन रोहानी। क्लियर होगा, रिसेंट में ये चेंज हुआ है, हसन रोहानी। ईरान की कैपिटल रही तेहरान, करेंसी रियाल। तो याद रखना कैपिटल करेंसी करना कैसे है, साथ साथ, तेहरान रियाल, ईरान तेहरान रियाल। नेक्स्ट देखते हैं हमारी न्यूज, विद द रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीजेपी ने अभी इन्हें नॉमिनेट किया है एक तरीके से अपनी पार्टी की तरफ से, किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो वेंकैया नायडू का जो प्लेस है वो वैकेंट हो गया। अब जो ये विभाग देख रहे थे, डिपार्टमेंट देख रहे थे मिनिस्ट्री में, अब उनको किसी और को दिया गया है, वो देखते हैं किन्हें दिया गया। स्मृति ईरानी जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, चार्ज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। याद रखें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अब किसके पास है, स्मृति ईरानी के पास। और नरेंद्र सिंह तोमर हैज बीन मेड द मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, और जो अर्बन डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है वो दिया गया, मिनिस्ट्री दी गई है आपके नरेंद्र सिंह तोमर को। इससे रिलेटेड फैक्ट्स इसी में ही आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हमारे, विक्रम लिमाए टुक ओवर एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो एमडी एंड सीईओ बने उनका नाम है विक्रम लिमाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, मार्क कर लीजिएगा ऐसे कि विक्रम लिमाए जो बने हमारे एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इससे रिलेटेड हमारी न्यूज क्या बन सकती है, फैक्ट क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। एनएससी की फुल फॉर्म जैसा कि दिखा हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेड हुआ था हमारा 1992 में मुंबई में, और इसका इंडेक्स है निफ्टी। बोलते हैं अक्सर आपने सुना होगा निफ्टी 50, क्योंकि यहां पर जो भी इंडेक्स है, जो भी हमारा निफ्टी कैलकुलेट होता है उसमें 50 कंपनीज को लिस्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू ऑटोमेजर टाटा मोटर्स। ऑटोमेजर टाटा मोटर्स ने रोल्ड आउट किया, चालू किया है अभी कंट्री की पहली बायो सीएनजी बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम सभी देख रहे हैं कि हर कोई कंट्री इस टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है, तो उसमें ये एडिशन है नया कि ऑटोमेजर टाटा मोटर्स रोल्ड आउट दी कंट्रीज फर्स्ट बायो सीएनजी बायोमीथेन बस। अब इससे रिलेटेड हमारे फैक्ट्स क्या बन सकते हैं वो देखते हैं कि टाटा मोटर्स के चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखरन, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है हमारा, मुंबई में, और इसके मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगर बायोगैस की बात की गई है तो यहाँ पर मुद्दा बनता है कि भैया पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, तो देखते हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान इज अ मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड दी नेचुरल गैस। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू फॉक्सवैगन फाइनेंस, अ फाइनेंशियल, द फाइनेंशियल आर्म ऑफ दी
फॉक्सवैगन ग्रुप ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड पैट्रिक, एक और अपॉइंटमेंट का पोर्शन है, पैट्रिक रीज एज द एमडी एंड द सीईओ। अब याद रखने वाली न्यूज यहां पर क्या है, डायरेक्ट आप याद रखिए, फॉक्सवैगन फाइनेंस ने एमडी एंड सीईओ किसे बनाया, पैट्रिक रीज को। इससे ज्यादा लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, बट जो फैक्ट्स दे रखे हैं उनके साथ में। फैक्ट्स क्या है वो देखते हैं, जो फॉक्सवैगन है हमारा वो फाउंडेड कब हुआ था और कहां हुआ था, बर्लिन जर्मनी में, जर्मन कंपनी है और ये फाउंडेड हुआ था 28 मई 1937 को। और सीईओ है जो फॉक्सवैगन के वो है आपके मैथियास मुल्लेर और इसका हेडक्वार्टर है वॉल्सबर्ग जर्मनी में। आई होप सारे पॉइंट क्लियर होंगे आपके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये फाउंडेड कब हुआ था, इसके सीईओ कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसे भी लर्न रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंडिया के अमित कुमार सरोहा ने क्लिंच किया, उठाया सिल्वर मेडल, उन्होंने जीता है इन द मेंस क्लब थ्रो F51 इवेंट में कंपटीशन इन द वर्ल्ड्स पैरा एथलेटिक चैंपियन। पैरा मींस होता है कि जो भी दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी भी एक अभी चैंपियनशिप हुई थी, उसका नाम था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। उसमें जो इवेंट हुआ था मेंस क्लब थ्रो F51 कंपटीशन में किसने जीता है, इंडिया के जो अमित कुमार सरोहा है उन्होंने सिल्वर जीता है। और जो गोल्ड जीता है, जिन्होंने अपना टाइटल बरकरार रखा है, उनका नाम है सर्बिया के जैल जैको दिमित्री जैविक। और ये है कहाँ के, सर्बिया के। और इन्होंने अपना रिटेन किया, इन्होंने जो डिस्टेंस लिया था वो लिया था 31.99 मीटर, और जो अमित कुमार सरोहा इन्होंने लिया था 30.25 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम इन्होंने टाइटल अपना बरकरार रखा है, इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो है सर्बिया। और सर्बिया फिर कंट्री का नाम आ गया, तो क्या लर्न करेंगे हम, कैपिटल भी और करेंसी भी। तो सर्बिया की कैपिटल क्या रही, बेलग्रेड, करेंसी क्या रही, दिनार। वही तरीका, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, सर्बिया, बेलग्रेड, दिनार। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू मुंबई, नील जोशी एंड अनन्या दाव के बैग्ड दी अंडर 15 बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली। इन्होंने बॉयज का अलग है और गर्ल्स का अलग है। जो हमारे नील जोशी, उन्होंने बॉयज का जीता है, अनन्या दापके ने गर्ल्स का जीता है टाइटल्स रेस्पेक्टिवली इन डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियन। फिर एक से स्क्वैश से रिलेटेड आ गया कि डच ओपन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीती किसने है, तो मैन सिंगल्स का भी इंडियन है और हमारा वुमेन्स सिंगल का भी इंडियन है। मैन सिंगल है वो है हमारे नील जोशी और फीमेल का है वो हमारी अनन्या दाव के। अब इससे रिलेटेड हमारी न्यूज क्या बन सकती है वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग, ये हमारा ओपन हुआ कहां पर है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। और नीदरलैंड की बात करेंगे, उसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम और करेंसी हमारी यूरो। और प्राइम मिनिस्टर उसके मार्क रुत्ते। आई होप क्लियर होगा कि आपको कंट्री, कैपिटल, करेंसी लर्न कैसे करना है। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, यूरो, पीएम रहे इसके मार्क रुत्ते। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं, जूलिया हॉकिंस 101 ईयर ओल्ड अमेरिकन वुमेन है सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द 100 मीटर स्प्रिंट इन हर एज ग्रुप। मतलब खुद में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 100 साल से उम्र की लेडी ने अभी यहां पर क्या किया है, देखते हैं जरा, कंप्लीटिंग द रेस इन 40.12 सेकंड, 40.12 सेकंड में रेस को कंप्लीट किया है एट द यूएसए ट्रैक एंड फील्ड आउटडोर मास्टर चैंपियनशिप। यहां से याद क्या करना है हमें, यूएसए ट्रैक एंड फील्ड्स आउटडोर मास्टर चैंपियनशिप में 40.12 सेकंड में 101 ईयर ओल्ड की लेडी कौन है, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है जूलिया हॉकिंस। अब से इससे रिलेटेड फैक्ट्स पे जरा नजर रखते हैं क्या है। अब देखिए, यहां पर बात की गई है यूएसए की, तो यूएसए से रिलेटेड दो पॉइंट हम यहां पर याद करेंगे कि यूएसए के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो वो है जेफ सेशंस, और वहां के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखिएगा, माइक पेंस। प्रेसिडेंट सभी को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप, और यहां पर वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, और अटॉर्नी जनरल रहे आपके जेफ सेशन। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं, द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं इसे फीना, द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन सेड दैट रशियन सिटी ऑफ कजान, रशिया की सिटी कजान और हंगरी की सिटी बुदापेस्ट। याद रखिएगा, रशिया की सिटी है कजान और हंगरी की सिटी है बुदापेस्ट। जो रशिया की कजान है वहां पर 2022 और हंगरी की सिटी बुदापेस्ट में 2024 में शॉर्ट कोर्स स्विमिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया जाएगा। ये सिटी इन दो ईयर्स मतलब कि 2022 और 2024 में स्विमिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेंगे। दोबारा समझ लेते हैं, द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन दैट इज फीना
said that Russian city of Kazan and Hungarian city of Budapest will host 2022 and 2024 short course swimming championship respectively. तो याद रखना 2022 कहां पर होगी? रशिया के कजान में, और 2024 होगी हंगरी के बुदापेस्ट में. आई होप क्लियर होगा सभी के. इससे रिलेटेड फैक्ट्स पर नजर रखने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. जो हमारा फीना है, फीना की फुल फॉर्म क्या रही है? हमारी इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन. और जो फीना हुआ था, फाउंडेड हुआ था 19 जुलाई 1908 में. 1919 कॉमन है, तो याद रख सकते हैं कि 19 जुलाई 1908 में. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में. और इसके प्रेसिडेंट है जूलियो मैगलिनो. तो याद रख सकते हैं आप यहां से. और दो चीजें और यहां पर आई हैं कि दो कंट्री के नाम आए हैं, एक तो आया हंगरी का और दूसरा आया है आपका रशिया का. तो रशिया की भी कैपिटल करेंसी याद रख सकते हैं मॉस्को रूबेल, और हंगरी की भी बुदापेस्ट फॉरेन. क्लियर होगा सभी के यहां पर. नेक्स्ट देखते हैं हमारा भारत. तो अरुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, जहीर खान रिलेटेड इश्यूज भी आए थे. अब याद रखिएगा, जो कोच बना इंडियन क्रिकेट टीम के वो बने रवि शास्त्री, और जो बॉलिंग कोच बने उनका नाम है भारत अरुण हैज बीन अपॉइंटेड बॉलिंग कोच बाय द बीसीसीआई फॉर अ 2 ईयर्स. तो याद रखना, इंडिया के बॉलिंग कोच कौन अपॉइंट हुए हैं, आप याद रखने वाली चीज, भारत अरुण. अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है उन पर देखते हैं. बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या रही? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के चेयरमैन सभी को पता है ये विनोद राय, और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई. नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. नागालैंड गवर्नर पीबी अचार्य, शॉर्ट में बोलते हैं पीवी अचार्य, नागालैंड के जो गवर्नर है पीवी अचार्य ने, उन्होंने टीआर जेलेंग को दोबारा से क्या अपॉइंट किया है? सीएम ऑफ नागालैंड. ठीक है, तो याद रखने वाली चीज क्या है यहां पर, कि चीफ मिनिस्टर कौन बने नागालैंड के? टीआर जेलिंग. और किसने अपॉइंट किया है, मतलब कि गवर्नर कौन है वहां के? वो है पीवी आचार्य. अब नागालैंड खुद में इंपॉर्टेंट है, तो नागालैंड की यहां पर सीएम, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर लर्न करेंगे. चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ है सामने, गवर्नर लिखा हुआ है, बट कैपिटल क्या रहेगी इसकी? कोहिमा. नेक्स्ट मूव करते हैं. इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया ने और श्रीलंका ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत इंडिया श्रीलंका के एक डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जितने भी गांव हैं उनको डेवलप करने का वर्क करेगा. देखते हैं, इंडियन श्रीलंका साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से एन एग्रीमेंट टू डेवलप अ विलेज इन अनुराधापुरा डिस्ट्रिक्ट. किस डिस्ट्रिक्ट में? अनुराधापुरा डिस्ट्रिक्ट में. कहां पर? श्रीलंका में. कितने रुपए का एग्रीमेंट साइन हुआ ये देखते हैं, 30 करोड़ श्रीलंकन रुपया. क्लियर होगा, इंडिया श्रीलंका के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अनुराधापुरा डिस्ट्रिक्ट में गांव के विकास के लिए. अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या उन पर नजर रखते हैं. श्रीलंका की कैपिटल अभी चेंज हुई, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे. प्राइम मिनिस्टर कौन है? रानिल विक्रम सिंघे. और इसके प्रेसिडेंट रहे हमारे मैत्रीपाला सिरीसेना. आई होप क्लियर होगा कि प्रेसिडेंट कौन है, मैत्रीपाला सिरीसेना. कैपिटल रही है हमारी जयवर्धनेपुरे कोटे. आई होप नेक्स्ट न्यूज पर मूव करते हैं. नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन सिख एमपी. याद रखिएगा, ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन, अगर पहला वुमेन की बात होती तो खुद में इंपॉर्टेंट है. प्रीत कौर गिल हैज बीन इलेक्टेड एन इन्फ्लुएंशियल क्रॉस पार्टी पैनल इन द यूके पार्लियामेंट दैट एग्जामिंग द वर्किंग ऑफ हेड ऑफिस. इवन यहां का मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां पर ब्रिटेन ने अपॉइंट किसे किया है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट. और नाम क्या है इनका? प्रीत कौर गिल. ये क्या करेंगी? जो भी हेड ऑफिस में वर्किंग होगी उसको एग्जामिन करेंगी. अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या उन पर नजर रखते हैं. ब्रिटेन की कैपिटल क्या रही है आपकी? लंदन. और इसकी करेंसी रही पाउंड स्टर्लिंग. और इसके पीएम रहे थेरेसा मे. आई होप क्लियर होगा यहां से रिलेटेड पॉइंट्स. नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एक्सपीरियंस डिप्लोमेट एंड फॉर्मर उटा गवर्नर जॉन हंट्समैन को अपॉइंट किया गया एज अ कंट्रीज न्यू एम्बेसडर टू रशिया. मतलब कि राजदूत नियुक्त किया अमेरिका ने अपना रशिया के लिए. मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अमेरिकन एम्बेसडर टू रशिया कौन है? हमारे जॉन हंट्समैन जूनियर. अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है यहां पर देखते हैं. फैक्ट दो कंट्री का यहां पर जिक्र चल रहा है, एक रशिया का, दूसरा यूएसए का. तो यूएसए से रिलेटेड पॉइंट क्या रहे? यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर. और रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबेल. वही याद रखिएगा, मॉस्को रूबेल, और इसी का वॉशिंगटन डीसी और डॉलर. प्रेसिडेंट रहे रशिया के व्लादिमीर पुतिन, फेमस पर्सनैलिटी. और प्राइम मिनिस्टर रहे दिमित्री मेदवेदेव. आई होप क्लियर होगा यहां तक, जितने भी फैक्ट्स यहां पर दे रखे हैं सारे आपके क्लियर होंगे. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या हमारी.
United States Navy successfully tested the world first ever active laser weapon system. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बड़ा इस टाइम पर ग्लोबली बड़ा एक तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में हर कंट्री अपनी पावर्स को और ज्यादा एनहेंस करना चाह रही है. उसी के रेस्पेक्ट में अभी अमेरिका ने क्या अपने टेस्ट फायर किया वो देखते हैं. US Navy successfully tested the world first ever active laser weapon system. यहां पर आप याद रखिए, active laser weapon system पहला किस कंट्री ने लॉन्च किया? US ने. तो लॉस की फुल फॉर्म भी याद रखने के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स पर नजर रखने क्या है. द टोटल कॉस्ट जो इसकी आई है वो आई है आपकी $40 million. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टोटल कॉस्ट आई इसको बनाने की वो लागत कितनी है? 40 million. और US के नवाल चीफ कौन है? वो है हमारे जॉन एम रिचर्डसन. मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉन एम रिचर्डसन. नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. इंडियाज लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ डेडिकेटेड पोर्टल. एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है SBI रियल्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये वाली एप्लीकेशन किसने लॉन्च की, ये वाला पोर्टल किसने लॉन्च किया है, और एग्जाम बैंक से रिलेटेड और बैंक की न्यूज है तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है. तो SBI ने अभी एक तरीके से लार्जेस्ट बैंक जो इंडिया का, उसने क्या लॉन्च किया है? SBI रियल्टी दैट विल हेल्प होम बायर्स टू चूज फ्लैट फ्रॉम इट्स 3000 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अक्रॉस द कंट्री. बेसिकली कहना चाह रहा है 3000 प्रोजेक्ट है उस पोर्टल पे देखेंगे, उस पर आप कहीं से भी फ्लैट चूज कर सकते हो. अब इससे रिलेटेड न्यूज क्या वो देखते हैं. SBI की चेयरमैन शीज अरुंधति भट्टाचार्य, और हेड ऑफिस कहाँ है इसका? मुंबई में. एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955 को. मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये डिस्कशन किया था SBI से रिलेटेड सारे पॉइंट, कि SBI कब बना था, नेशनलाइज कब हुआ, उससे पहले SBI का क्या नाम हुआ करता था, किन बैंक्स को मिलाकर बनाता है. इवन SBI के एक तरीके से हमने मर्जर भी देखा था कि कितने बैंक्स एसोसिएट बैंक थे उसके साथ मर्ज हो गए थे. तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया कि उसने अभी क्या लॉन्च किया था. एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है अपना एक तरीके से SBI रियल्टी. अब इसकी जो लास्ट पॉइंट रहा, टैगलाइन वो रही आपकी, अ बैंक टू एवरी इंडियन. आफ्टर नेशनलाइजेशन टैगलाइन चल रही है वो है हमारी अ बैंक टू एवरी इंडियन. नेक्स्ट देखते हैं न्यूज. मतुंगा सुवरवन रेलवे स्टेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थी कि मतुंगा सुवरवन रेलवे स्टेशन इन मुंबई हैज बिकम द फर्स्ट स्टेशन इन इंडिया टू रन बाय ऑल वुमेन स्टाफ. मतलब कि यहां पर जितना स्टाफ 30 वुमेन का स्टाफ है जो वर्क करेगा, और सभी क्या है यहां पर? वुमेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट मतुंगा सुवरवन रेलवे स्टेशन, इसका नाम याद रखिएगा. ये सारी महिलाएं जो रन कर रही है उस स्टेशन रेलवे स्टेशन का, भारत के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? उसका नाम है मतुंगा रेलवे स्टेशन. है कहां पर ये? मुंबई में. मुंबई खुद में इंपॉर्टेंट बन गया, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स पर नजर रखते हैं जरा. महाराष्ट्र रिलेटेड, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस. और यहां की बात करा जाए तो गवर्नर कौन है? CV राव. आई होप क्लियर होगा. नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. सन मिगुअल दे एलेंडे, जो मैक्सिको की एक सिटी है, सैन मिगुअल डे एलेंडे इन मैक्सिको हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट सिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की बेस्ट सिटी किसे बोला गया है? मैक्सिको घूम कर आई है. सैन मिगुअल डे एलेंडे इन मैक्सिको हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट सिटी इन सर्वे बाय द ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन. दोबारा से मैगजीन का नाम आ गया. व्हाइल उदयपुर हैज बीन रैंक्ड 14, मतलब इंडिया का जो उदयपुर सिटी है उसकी रैंक आई है 14, और जो टॉप पर रहा है वो रहा है मैक्सिको की सिटी. अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं उन पर नजर रखते हैं जरा. मैक्सिको इंपॉर्टेंट खुद में हो गया. मैक्सिको की कैपिटल क्या रही? मैक्सिको सिटी. करेंसी क्या रही आपकी? पैसो. और यहाँ के प्रेसिडेंट रहे आपके? एनरिक पेना नियोटो. आई होप क्लियर होगा यहां तक. नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की कैपिटल इससे रिलेटेड. जयपुर, चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया, और इसके गवर्नर रहे आपके कल्याण सिंह. आई होप यहां पूरी न्यूज आपके क्लियर होगी. मैं कहना चाहता हूं आपसे, कोई भी न्यूज आए उससे रिलेटेड फैक्ट्स लर्न करते चलिए. एग्जाम में आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा. आप करते क्या है, समटाइम होता है कि हम सोचते हैं एक महीने पहले करंट अफेयर लर्न कर लें, बट पॉसिबल नहीं है यार. एक दिन में कोई रजनीकांत नहीं बन सकता. तो कोशिश करिए कि ग्रेजुअली चीजें लर्न करते चलें, डेली बेसिस पर नोट करते चलें, इस फैक्ट को लिखते चलें, जिससे कि स्टैटिक पार्ट भी हमारा क्लियर होता रहेगा. नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं. उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेडिकेटेड टू द नेशन स्टेट लॉन्गेस्ट ब्रिज. स्टेट का सबसे लंबा ब्रिज उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया. नेम डिड दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस. उनको नाम दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का. अब ये हुआ कहां पर है? उड़ीसा में. तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं हमारे? नवीन पटनायक. अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स पर नजर रखते हैं जरा. इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2.88 किलोमीटर ब्रिज है. और किस रिवर पे है ये? कथा जोड़ी रिवर पे. नेक्स्ट, इट विल कनेक्ट द स्टेट भुवनेश्वर, स्टेट कैपिटल भुवनेश्वर एंड कटक. ये भुवनेश्वर को और कटक को कनेक्ट करेगा, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा आपका? 12 किलोमीटर, रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन 12 किलोमीटर. ओडिशा के आपके
गवर्नर कौन रहे? एस सी जामिर। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एम आधार। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अभी UIDAI ने लॉन्च किया है एक एप्लीकेशन को, उसका नाम है एम आधार। अब आपको अपना आधार कार्ड कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसका सारा डेटा यहां पर इस एप्लीकेशन में स्टोर कर सकते हैं। न्यू ऐप फॉर सिंक्रोनाइज आधार डेटा ऑन मोबाइल फोन। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। UIDAI की फुल फॉर्म क्या रही है? हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन बने जे सत्य नारायण, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। आई होप UIDAI से रिलेटेड पॉइंट्स आपके सारे क्लियर होंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड टू कंट्रीज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर ICICI। फिर दोबारा भी हमने SBI की न्यूज देखी थी कि उसने एक पोर्टल लॉन्च किया, फिर से ICICI बैंक से रिलेटेड न्यूज है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है कि ICICI बैंक विल प्रोवाइड पर्सनल लोन अप टू ₹15 लाख थ्रू इट्स ATM। मतलब कि ATM के द्वारा आप लोन भी ले सकते हैं। दैट कैन बी अवेल्ड बाई दी सेलेक्ट सैलरीड पर्सन। हर कोई नहीं, ओनली सैलरीड पर्सन, वो भी कुछ गिने चुने। इवन इफ दे हैव नॉट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर वन, उन्होंने अगर पहले अप्लाई ना किया हो तो याद रखिएगा किस बैंक ने ऐसी एक सर्विस लॉन्च की जिसके थ्रू ATM के थ्रू पैसा निकाला जा सकता है एज अ लोन, तो वो है हमारा क्या, ICICI बैंक। मैक्सिमम कितना है? 15 लाख रुपीज। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं जरा। ICICI की चेयरमैन कौन है? चंदा कोचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई। और इसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मर बिहार गवर्नर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, रामनाथ कोविंद बिकम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के चौदहवें राष्ट्रपति किनको चुना गया है? वो है रामनाथ कोविंद, जो कि क्या थे? बिहार के पूर्व गवर्नर। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। बिहार की कैपिटल क्या रही? आपकी पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और आपके केसरीनाथ त्रिपाठी को एडिशनल चार्ज दिया गया एज अ वर्किंग एज अ गवर्नर। अभी यहां से रिलेटेड आपको अगर और एडिशनल डेटा चाहिए तो आप महिंद्रा गुरु की साइट पे जा सकते हैं। वहां पर हमने एक आर्टिकल आप दे रखा है रामनाथ कोविंद जी से रिलेटेड कि उन्होंने कहां से स्टडी की, इवन सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिस्कशन किया था वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? माइक पेंस। और यहां पर आ गया उनका नाम अमेरिकन प्रेसिडेंट का। डोनाल्ड ट्रंप हैज नॉमिनेटेड जॉन आर बेस करेंटली सर्विंग एज द US एम्बेसडर टू टर्की, जो कि अभी राजदूत हैं टर्की में। उन्हें राजदूत बनाया जा रहा है कहां का? अफगानिस्तान का। बेसिकली इस लाइन का मतलब कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टर्की में अभी तक उनके एम्बेसडर थे उनको अब कहां का एम्बेसडर बना दिया है? आपके अफगानिस्तान का। और उनका नाम क्या है? जॉन आर बेस। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स पर फोकस करते हैं कि टर्की की कैपिटल क्या रही? अंकारा। करेंसी क्या रही? लीरा। वही कंट्री कैपिटल और करेंसी दोनों को साथ में लर्न करेंगे, टर्की अंकारा और लीरा। और प्रेसिडेंट कौन रहे? रिसेप तायब एर्डोगन। और अफगानिस्तान की कैपिटल? सो सिंपल, काबुल। और करेंसी अफगानी, और प्रेसिडेंट अशरफ गानी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने देखा था विंबलडन ओपन चैंपियनशिप अभी हेल्ड हुई है, तो इससे रिलेटेड आपके जो इवेंट होते हैं, मैन सिंगल्स होता है, वुमेन सिंगल होता है, मैन्स डबल होता है, वुमेन्स डबल होता है, और मिक्स डबल होता है। इसमें अभी तक कोई इंडियन का नाम नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम इसे लर्न करेंगे क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो देखते हैं मैन सिंगल्स किसने जीता है। तो रोजर फेडरर, याद रखिए विनर कौन है, लूजर कौन है। एग्जामिनर करता क्या है? अगर उसे टिपिकल बनाना है तो वो ये पूछता है कि हारा कौन है। रोजर फेडरर ने किसको हराकर मैन सिंगल्स का भी खिताब जीता है? और टिपिकल पूछेगा तो वो कह सकता है कि जिसको हराया है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो हमें पूरे के पूरे एस्पेक्ट लेके चलनी है। तो मैन सिंगल्स जो जीता है वो जीता आपके रोजर फेडरर ने, और किस कंट्री से बिलोंग करता है? स्विट्जरलैंड से। तो यहां पर आप कैपिटल करेंसी भी लर्न कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की हमारी कैपिटल क्या है और करेंसी क्या? कैपिटल रही वन और करेंसी रही आपकी फ्रैंक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रनर अप कौन रहे थे? मारिन क्लिच, और जो कि थे क्रोएशिया के। क्रोएशिया की कैपिटल करेंसी रही आपकी जागरेब और कूना। नेक्स्ट देखते हैं वुमेन सिंगल किसने जीता? गार्बिन मुगुरुजा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैन सिंगल वुमेन सिंगल लर्न करके रखिए आप। मैन सिंगल जीता रोजर फेडरर ने, और वुमेन सिंगल जीता आपका गार्बिन मुगुरुजा ने। किस कंट्री से मुगुरुजा बिलोंग करती है? दैट इज स्पेन। कैपिटल करेंसी मैड्रिड एंड यूरो। और हराया किसको? वीनस विलियम्सन को। यार के वीनस विलियम्स को। और ये किस कंट्री से? यूएस है। अभी हम कर भी चुके हैं, इसकी कैपिटल करेंसी वॉशिंगटन DC और डॉलर। तो याद रखिए जो भी ओपन हो रहा है उसका विनर कौन है और लूजर कौन है, विनर किस कंट्री से है और इवन लूजर भी किस कंट्री से है। नेक्स्ट देखते हैं मेंस डबल्स का। लुक्स
यहाँ पे से शॉर्ट में भी याद रखते हैं, एल कुबोट ये है पोलैंड के और एम मेलो ये है ब्राजील के। इन्होंने जीता है और हराया है ओलिवर मार्क को और मैटे पैविक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको लर्न क्या करना है कि फर्स्ट थिंग तो आपको फोकस करना है विनर कौन है, देन आपको जाना है लूजर पर। एग्जामिनर डायरेक्ट भी पूछता है विनर और डायरेक्ट भी पूछता है लूजर। अगर ज्यादा टिपिकल देता तब जाके वो लूजर की तरफ पूछना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वुमेन्स डबल का किसने जीता था, ई कैटरीना मकारोवा और एलेना वेस्नीना ने, और हराया किसको इन्होंने, हाउचिंग चान को और मोनिका निकुला स्कू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मिक्स डबल किसने जीता था, जैमी मुरे और मार्टिना हिंगिस ने। मार्टिना हिंगिस जो आपकी एक तरीके से अपनी सोनिया मिर्जाती, जो इंडिया की सानिया मिर्जाती उनकी भी पार्टनर रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जैमी मुरे और मार्टिना हिंगिस, और ये इन्होंने हराया किसको, हैदर वॉटसन को और हेनरी कॉन्टी नैन को। ये रही आपकी होल जितनी भी इस वीक की करंट अफेयर की न्यूज थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आपको कोई भी अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।